हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इकौना और अध्यक्ष के 9वां सभासद के 70 प्रत्याशी मैदान और इकौना श्रावस्ती नगर पंचायत इकौना, और इस बार 12 वार्डों और सभासद पदों के लिए 70 प्रत्याशी मैदान और हैं, जिस समय की अध्यक्ष पद के लिए 9 लोग चुनाव और हमी किस्मत आजमा रहे हैं। यहां प्रत्याशी पूरी तरह चुनावी मूड और आ चुके हैं। नगर पंचायत इकौना और अध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशी मैदान और हैं। इन और निवर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जहां इस बार भाजपा से हमी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं नसीम चौधरी कांग्रेस, महमूद आलम नयमी सपा व महेश जायसवाल बसपा से मैदान और हैं। इसके साथ ही हनीफ चौधरी, सतीश, मोहम्मद रईश, आजय आराम, कन्हैया लाल कसौधन निर्दल प्रत्याशी के रूप और ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निशान से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र गुप्ता करोड़पति हैं। इनके पास 6,27,462 रुपये की चल व 2,44,44,223 रुपये की अचल संपत्ति है। इन पर 16 तुमराधिक मामले पंजीकृत थे, जिन और से 15 मामलों और यह दोष मुक्त हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी नसीम चौधरी के पास 11 लाख रुपए की चल व 3,50,000 रुपए की अचल संपत्ति है। सपा प्रत्याशी महमूद आलम नईमी के पास 6,27,462 रुपए की चल व 57,78,000 रुपए की अचल संपत्ति है। जिस समय की बसपा प्रत्याशी महेश जायसवाल के पास 1,37,200 रुपए की चल व 5 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।